अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बीसरूर, आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंच चुके नूह विधानसभा क्षेत्र की अनाज मंडी में। और यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मेवाती जो किसान हैं वो भारी तादाद में यहां पर अनाज मंडी के गेट पर खड़े हैं और जद्दोजहद कर रहे हैं आगे जाने के लिए। लेकिन भारी पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी उनको समझा रहा है और यही रोकने को कह रहा है। लेकिन जो किसान है वो आगे जाना चाहते हैं, अपना रोड मार्च करना चाहते हैं, ट्रैक्टर मार्च लेके यहाँ पर अनाज मंडी में खड़े हैं। लेकिन फिलहाल जो है पुलिस प्रशासन ने उनको अनाज मंडी के गेट पर रोक रखा है। तो मैं जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, कैमरामैन से एक बार ऊपर उठा के दिखाइए, भारी तादाद है यहाँ पे किसानों की। काफी किसान जो है कैंप रोड के नीचे भी करीब 150-200 ट्रैक्टर लेके खड़े हैं। फिलहाल यहाँ के जो किसान है वो जाना चाहते हैं आगे, अपना रोड मार्च करना चाहते हैं, ट्रैक्टर मार्च, लेकिन पुलिस प्रशासन उनको भी समझा रहा है और यहीं पे रोक रखा है। ये अनाज मंडी है जो आप देख रहे हैं, ये नूह की अनाज मंडी का एक गेट है और गेट में ही वो रोक रखे हैं। फिलहाल हमारे सामने विधायक आफताब अहमद जी के भाई जो मेहताब जी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। काफी बड़ी तादाद है, सैकड़ों से ज्यादा ट्रैक्टर यहाँ पीछे आपको नजर आ रहे हैं। तो इसलिए किसान जो है वो आगे जाने की जिद कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन इनको यहीं पर रोक रहा है। फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे ताजा अपडेट, तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें, तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।